हेलो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ऑल गुड। सो गाइस, फाइनली आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूँ इस पूरी ज्योग्राफी का, जो सबसे टफेस्ट टॉपिक है, जो आपको बहुत ही कम मिलेगा यूट्यूब पर और बहुत ही कम उसके कुछ लेक्चर्स मिलेंगे, आज हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वहां पर कौन कौन से लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। ये टॉपिक गाइस पूरे ज्योग्राफी के अंदर मोस्ट, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, आपको कम नॉलेजेबल वाला टॉपिक होगा। रीजन क्या है कि जो मेजर ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी, वो आपकी ग्लेशियटिक रीजन में, जहां पर ग्लेशियर मूव करते हैं वहां पर हमारी पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स के द्वारा लैंडफॉर्म्स बनाए गए हैं उसको समझने में आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आज आप चीजों को समझ गए तो लाइफ में समझ जाओगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि समझ पाओगे, क्योंकि मैंने रियल इमेजेस के थ्रू और प्रॉपर बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज के अपने सेशन के अंदर, जिसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और आज का ये हमारा आखिरी सेशन है जियोमॉर्फोलॉजी का। दिस ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स जो हैं, इसके अंदर कोरी क्या होता है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपका कोरी के साथ साथ जो हम बात करते हैं आपका जो आर्टीज है, एस्कर्स हैं, ये क्या होते हैं, हैंगिंग वैलीज क्या होती हैं, उन सारी चीजों के बारे में आज के अपने सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और बिलीव करना गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो बिलीव करना, अगर आज ये टॉपिक समझ गए तो समझ गए, अदरवाइज लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में। तो ये जो ग्लेशियर है ना, जब ये मूव करता है तो ये अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म बनाता है। कुछ इरोजनल है, कुछ डिपोजिशनल है। आउटवॉश प्लेन क्या होता है, केटल कीटल लेक क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, टान लेक क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप देखोगे ना, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक एक इमेजेस लगाई हुई है ताकि आप फील कर पाओ चीजों को, कि ये चीजें बन क्या रही है, कोरी क्या है, टान लेक क्या है, आपकी ये सारी चीजों का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। याद रखना हैंगिंग वैली कैसे बनी है, सब चीजें। तो बिफोर स्टार्टिंग अ सेशन, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई हैव अ टीचर एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 6 इयर्स। आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 30,000 ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड लैक्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट। वहीं पर गाइज अगर मैं बात करूं, 333 सिलेक्शन लास्ट ईयर अन अकेडमी ने दिए थे, फ्रॉम 933 स्टूडेंट जो टोटल सिलेक्ट हुए थे, दैट मींस एवरी 1/3 स्टूडेंट जो है वो अनअकैडमी का है। रीजन है क्वालिटी एजुकेशन, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल इंटरव्यू, सब चीजें आपको यहां पर कवर हो रही हैं। व्हाट, ऑडियो में अब भी इशू आ रहा है यार, ये ऑडियो में अब भी इशू आ रहा है, मैंने माइक भी चेंज, चलो उसको देखते हैं आज या कल में उसको आपका बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। वहीं पर गाइज आपका 22 जुलाई को प्राइज हाइक हो रहा है, आपका 10% तक प्राइस हाइक हो जाएगा। और उसी के साथ साथ अभी आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो 3 मंथ्स का आपको ऑफ मिलेगा। प्लस जैसे ही आप AM10 कोड यूज करते हो, AM10 कोड यूज करने से आपको ये ऑफ भी मिलेगा, प्लस मेरी मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, प्लस एक्सटेंशन मिलेगा। वहीं पर 18 मंथ्स के साथ 4 और 2 ईयर के साथ 6 मंथ का 3 ईयर के साथ 9 मंथ्स का। और ये सारा ऑफ आपको AM10 कोड यूज करते ही मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट प्लस मेंटरशिप प्लस एक्सटेंशन मिलने वाला है। 22 जुलाई तक ऑफर एंड हो जाएगा और आपको पता है प्राइस भी हाइक होने वाला है। प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस का रहना खाना सब दिल्ली के ऑफलाइन सेंटर, मेंस क्लियर होता है आपको सब चीजें, इंटरव्यू की पूरी गाइडेंस, और इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको पूरी फी रिफंड हो जाएगी। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑल स्टार बैच जो 22 जो, और उसी के साथ साथ मेरा भी इंडियन ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हुआ है अनअकैडमी ऐप पर, उसकी टाइमिंग है प्लस कोर्स पर 10 AM। तो इंडियन ज्योग्राफी के अभी 2-3 लेक्चर्स हुए हैं तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत क्वालिटी बैच है, अभी हमने स्टार्ट किया है। वहीं पर अगर आप लोन के थ्रू लेना चाहते हो तो लोन के थ्रू ले सकते हो, बट याद रखिएगा सेल्स टीम से बोल दीजिएगा कि कोड AM10 करें, ताकि आपको मेंटरशिप गाइडेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक एंड से चीजों के साथ हेल्प हो पाए। और कोई भी डाउट है अगर सब्सक्रिप्शन में, तो unacademy_anirudhmalik टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां पर कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई हेल्प यू आउट।
वहीं पर गाइज आपका 23 जुलाई को अनअकैडमी कॉम्बैट है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट के मेरे क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन मिलेगी और आपके पास 4 करोड़ रुपीज तक की स्कॉलरशिप, मैकबुक प्लस ये वॉचेस का चांसेस है, तो आप AM10 कोड यूज करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर आपका ऑफलाइन है तो इसको भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो विदाउट एनी डिले फटाफट जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, आ जाइए जल्दी से, आ जाइए फटाफट, ठीक है। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, ये क्या होते हैं, कैसे कैसे मूव करते हैं। सर ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है कि आपके वो लैंडफॉर्म्स जो ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए हैं, समझने की कोशिश करना। ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स वो लैंडफॉर्म्स होते हैं जो आपके ग्लेशियर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो अब मैं इन सब चीजों को छोड़ के आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं कैसे कैसे है। देखिए गाइस, जो आपके ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स है ना, उसको मैं 3 पार्ट में आपका डिवाइड करूंगा, समझने की कोशिश करना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। सबसे जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आइस कैप्स, उसको हम बोलते हैं आइस कैप। सबसे जो पहला पार्ट है उसको हम बोलते हैं आइस कैप्स, समझने की कोशिश करना। दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं आइस शीट, उसको हम बोलते हैं आइस शीट। याद रखना, अगर आज समझ में आ गई चीजें तो आ गई, अदरवाइज नहीं आएंगी कभी भी। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इतना कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ चीजें कवर होने वाली हैं। उसके बाद दूसरा है आइस शीट और तीसरा है हमारा जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आपने देखा होगा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जो कहां पर मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स में मिलते हैं। कौन से? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। अब आप बोलोगे सर इनमें क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, हमें एक बार वो समझा दीजिए कि ये क्या होते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आइस कैप्स क्या चीज होती हैं। सर आइस कैप्स का मतलब है वो एरिया या वो ग्लेशियर या वो आइस की शीट जो लेस देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से कम में फैले हुए हैं, उसको हम बोलते हैं आइस कैप्स। आइस कैप्स मतलब जो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से कम में फैले हुए हैं उसको आइस कैप्स बोलते हैं। कहां पर देखने को मिलेगी? सर ये देखने को मिलेगी आपको रशिया कॉन्टिनेंट में, जो नदन रशिया वाला पार्ट है। आपको ये देखने को मिलेगी कैनेडा कंट्री के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो पोल के पास लाई करता है। उसी के साथ साथ आपको ये देखने को मिलेगी आइसलैंड में, जो आइसलैंड है, और आपको ये देखने को मिलेगी ग्रीनलैंड में। तो ये जो पार्ट है यहां पर आपको रशिया कनाडा आइसलैंड और ग्रीनलैंड के अंदर आपको आइस कैप्स देखने को मिलेंगी, जहां पर आपका जो एरिया है वो 50,000 किलोमीटर या उससे कम का एरिया है, ठीक है। उसके बाद आता है आइस शीट्स, मतलब यहां पर जो आइस है ना वो शीट्स की फॉर्म में जमी हुई है, समझ में आ गया। तो आइस शीट्स कहां पर होंगी? आइस शीट्स वहां पर होंगी जो एरिया, आइस शीट किसको बोलेंगे, जिसका एरिया मोर देन, जो स्प्रेड होंगी कितने एरिया में, मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में जो आपकी स्प्रेड होंगी उसको आइस शीट बोलते हैं। कहां पर देखने को मिलेंगी? सर आर्टिक रीजन में, जो आपका आर्टिक है वहां पर आइस शीट्स है। दूसरा कौन सा है? जो आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो है वहां पर आपको आइस शीट्स देखने को मिलेंगी। और कहां पर देखने को मिलेंगी? सर ग्रीनलैंड वाले एरिया में। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर आपको आइस शीट्स देखने को मिलेंगी। दैट मीन जो पोलर एरिया है, नॉर्थ पोल पर जो आर्टिक एरिया है और साउथ पोल पर अंटार्कटिक प्लस ग्रीनलैंड वाले एरिया में आपको आइस शीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब मैं आपको बात करता हूं, आइए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइस कैप्स वो एरिया जो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से कम में फैला हुआ है, वो एरिया जो 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है वो आइस शीट्स है, और इतने बड़े बड़े एरिया कहां पर है? आर्टिक रीजन, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड वाले में। और वहीं पर जो आइस कैप्स वाले एरिया है वो रशिया कैनेडा आइसलैंड और ग्रीनलैंड वाले एरिया में है। उसके बाद आता है हमारे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर वो होते हैं जो माउंटेन्स के ऊपर होते हैं। अगर आप देखोगे हमारे जो ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगोत्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। गंगोत्री किसका एग्जाम्पल है? कॉन्टिनेंट का, क्योंकि कॉन्टिनेंट के ऊपर, माउंटेन के ऊपर जो ग्लेशियर है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। और इन्हीं कॉन्टिनेंटल और माउंटेन ग्लेशियर को इट इज ऑल्सो नोन एज द
थर्ड पोल, हम इसको क्या बोलते हैं, थर्ड पोल। जैसे हमारा एक पोल है नॉर्थ पोल, जहां पर आपका आर्कटिक ओशन, नीचे साउथ पोल है अंटार्कटिक ओशन, और तीसरा पोल है जो माउंटेन में बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, वहां पर जो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं वो आपका थर्ड पोल और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर होते हैं। ये चीज याद रखना। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, ठीक है, किसी भी तरीके से। ओके, अब दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, यहां पर ये वाली चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एंड तक बने रहना, एंड तक बने रहना, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सभी स्टूडेंट एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। अब मैं आपको ये तीन चीजें बता दी हैं, अब मैं आपको बताऊंगा, एक होता है एडवांसिंग ऑफ ग्लेशियर, एक होता है एडवांसिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, और एक होता है रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। रिट्रीट एंड एडवांसिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है समझने की कोशिश करना। एडवांसिंग और रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर में क्या डिफरेंसेस है? सर, जो हमारा ग्लेशियर है ना, जब मान के चलिए यहां पर ये हमारा माउंटेन है या ये हमारा सेंट्रल एरिया है, इससे जब ग्लेशियर आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ चलेगा, इसको बोलते हैं एडवांसिंग ऑफ ग्लेशियर। दैट मींस किसी सेंट्रल रीजन से, किसी पर्टिकुलर रीजन से ग्लेशियर ऑल पार्ट में जब आपका मूव करेगा, एडवांस करेगा, उसको बोलते हैं एडवांसिंग ऑफ ग्लेशियर। और रिट्रीट क्या होता है? रिट्रीट मान के चलिए यहां पर ये हमारा माउंटेन है और यहां पर ये हमारा ग्लेशियर है, इस तरीके से यहां पर ये ग्लेशियर है। बट क्या हुआ गाइस, समर सीजन आया, समर सीजन आया तो हमारी आइस ने मेल्ट करना स्टार्ट किया, तो जो ग्लेशियर यहां तक था अब वो यहां तक बचेगा, फिर और समर सीजन आएगा तो वो ग्लेशियर यहां पर बचेगा। दैट मींस ग्लेशियर क्या कर रहा है, ग्लेशियर आपका कम हो रहा है, उसका वार्म सीजन होने के कारण वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। मतलब ग्लेशियर रिट्रीट कर रहा है, कब रिट्रीट करेगा, जब वार्म सीजन आएगा, जब समर सीजन में हमारी जो आइस है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ग्लेशियर मेल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये मेल्ट करने से रिट्रीट करना स्टार्ट कर देगा पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं ग्लेशियर का रिट्रीट करना। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर का रिट्रीट करना। याद रखना, ये बहुत टफ टॉपिक है, कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा इतने अच्छे से। आज सब कुछ चीजों को विजुलाइज करवा सकता हूं अगर आप चीजों को समझने की कोशिश करोगे अच्छे से। याद रखना, समझ में आ गया? ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, अभी एक एक करके इमेजेस के साथ आपको सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। अब क्वेश्चन है कि सर, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं लैंडफॉर्म्स को, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। हाउ ग्लेशिएशन, जो हमारा ग्लेशिएशन है या जो ग्लेशियर है वो इंपैक्ट करते हैं लैंडफॉर्म्स को, मतलब वो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे करते हैं? पहला है एब्रेशन। एब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हमने पढ़ा था, दैट मीन जब ग्लेशियर मूव करेंगे, जब ग्लेशियर मूव करेंगे तो सेडिमेंट्स होंगे चीजों के साथ होंगी, तो वो जब ग्लेशियर के साथ आगे की तरफ मूव करेंगे तो ग्लेशियर क्या करेगा, उस जिस माउंटेन के ऊपर या जिस भी लैंडफॉर्म के ऊपर मूव करेगा उसको इरोड करता चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं एब्रेशन। उसके बाद दूसरा आता है प्लगिंग। दूसरा आता है प्लगिंग। प्लगिंग का मतलब क्या है? अगर ये हमारा माउंटेन है, इसके ऊपर से ग्लेशियर जा रहा है, तो ग्लेशियर क्या करता है, इन रॉक्स को प्लग करना स्टार्ट करता है, इनको खींचना, प्लग आउट करने की कोशिश करता है, तो यहां पर इस तरीके से प्लग आउट करेगा, चीजों को प्लग आउट करेगा, और यहां पर प्लग आउट करने से क्या होगा, लैंडफॉर्म का क्रिएशन होगा अलग अलग टाइम से। समझ में आ गए? क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि गाइस, समझने की कोशिश करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी होगी अच्छे से, और वो कैसे होगी, जब आप चीजों को समझोगे। आने वाले 60 मिनट है ना, वो आपको पूरा लेक्चर को एक पेस दे देंगे, और ये पेस बहुत जरूरी है अगर आपको चीजों को समझना है। यू शेप्ड वैली, हैंगिंग वैली, सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, एब्रेशन हो गया। जब ग्लेशियर मूव करता है तो इसके नीचे जो आपके पार्ट्स हैं, रॉक के छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, वो मूव करने से आपका इरोड करेगा, जिसके कारण अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगे। जब ग्लेशियर मूव करता है ना, तो वो रॉक को प्लग करता है, प्लगिंग आउट करता है, बाहर की तरफ उसको खींचता है, और उसके कारण भी अलग लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा टाइप का है स्क्रैचिंग। तीसरा टाइप का है स्क्रैचिंग।
मतलब जब हमारा ग्लेशियर मूव करेगा तो ये स्क्रैच करेगा, पॉलिशिंग करेगा, इसके ऊपर से मूव करेगा तो स्क्रैच डालेगा, हल्के हल्के से स्क्रैचेज आएंगे इसके ऊपर, इस तरीके से लाइनें बनेंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रैचिंग बोलते हैं। तो क्या कर रहा है, जब ग्लेशियर मूव कर रहा है वो एब्रेशन कर रहा है, वो प्लगिंग कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, आपका स्क्रैचिंग कर रहा है। समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी। अब मुझे आप बताइए, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उस ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या हमारे ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना फटाफट, मुझे बताइए क्या हमारे ग्लेशियर क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना, क्या हमारे ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझोगे तो मेरे पॉइंट को समझना, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, राइज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो फ्लड आएगा। अब फ्लड आएगा क्या, ग्लेशियर के मेल्ट होने से, ग्लोबल वार्मिंग होने से अर्थक्वेक आएगा, यस या नो मुझे बताइए, क्या अर्थक्वेक आएगा अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे, अर्थक्वेक आएगा अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे, यस या नो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, या आपकी जो सुनामी है वो ग्लेशियर मेल्ट होने से आएगी, मुझे बताइए फटाफट ये दोनों चीजें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। अर्थक्वेक आएगा, ठीक है, तो उससे क्या, अर्थक्वेक कैसे आएगा आप मुझे खुद बताइए, चलो मैं कमेंट में आपसे पूछ रहा हूं, हाउ इज इट पॉसिबल कि अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक क्यों आएगा, मुझे आप एक बार मुझे फटाफट जल्दी से बता दीजिए, क्यों आएगा अर्थक्वेक, सुनामी क्यों आएगी अगर ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, फटाफट बताइए, समझने की कोशिश करना। देखिए सर क्यों आएगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बट आप लोग मुझे फटाफट कमेंट में मेंशन कीजिए कि क्यों आएगा। यहां पर ये हमारा लैंडफॉर्म है, ठीक है, तो मैंने आपको एक आइसोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था कि हमारी जो अर्थ है ना वो एक आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, दैट मीन जैसे हमारे माउंटेन जैसे ऊपर है ना जितने, उससे ज्यादा उनका नीचे की तरफ बेस है, जिससे क्या हो रखा है कि जो उनका पूरा फोर्स है, उनका जो पूरा प्रेशर है, वो अर्थ के इंटीरियर में जो उनका बेस है वो उसको होल्ड किया हुआ है, तो मतलब एक बैलेंस क्रिएट हुआ है इस पूरी अर्थ पर, अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो हमारी अर्थ में शेकिंग होती है, मूवमेंट होता है, तो ये पूरी जो अर्थ है ना इस पे एक आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम है, दैट मींस एक पूरी फोर्सेस है जो मेंटेन किया हुआ है ऊपर के वेट को नीचे के इक्वल वेट से, ताकि ऊपर की चीज सस्टेन हो सके। बट अब क्या होगा, इन माउंटेन्स के ऊपर से ग्लेशियर मूव कर रहे हैं, इन माउंटेन्स के ऊपर से ग्लेशियर मूव कर रहे हैं, अब ये ग्लेशियर मूव कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, एक आइसोस्टेटिक बैलेंस बना हुआ है, बट जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो एक ग्लेशियर मेल्ट करेंगे, ये ग्लेशियर मेल्ट करेंगे ना तो जो नीचे से और ऊपर का जो प्रेशर है वो बिल्कुल सेम है, बट क्या हुआ, जैसे ही ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो इसके ऊपर का जो वेट है, यहां पर जो ऊपर का वेट है, जो अर्थ के ऊपर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है इस ग्लेशियर के कारण, अब वो मेल्ट हो जाएंगे, वो प्रेशर लगेगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा, जो नीचे का प्रेशर है वो ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि पहले तो इक्वल प्रेशर है ना, अगर मैं मानता हूं यहां पर 100 प्रेशर है और नीचे से भी 100 प्रेशर है, बट जब ऊपर का वेट कम हो जाएगा तो ऊपर का प्रेशर 80 हो जाएगा, नीचे का 100 हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ प्रेशर आएगा, जो नीचे की रॉक है उनका प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा, तो ये हमारा लैंड अपलिफ्ट हो जाएगा, और जब लैंड अपलिफ्ट होगा तो हमारी अर्थ में शेकिंग होगी, शेकिंग होगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक आएगा तो फिर आपके ओशंस में भी शेकिंग होगी, और जब अर्थक्वेक आने के कारण ओशन में भी शेकिंग होगी तो उससे सुनामी आएगी। तो याद रखना कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या करेगा, ग्लेशियर को मेल्ट करेगा, ग्लेशियर को मेल्ट करेगा, जो आइसोस्टेटिक मेंटेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण अर्थ में शेकिंग होगी, अर्थक्वेक आएगा, और जब अर्थक्वेक आएगा तो वो शेकिंग अगर ओशन में होगी तो ओशन में सुनामी वेव्स आएंगी, ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आया, कितने स्टूडेंट को ये वाला मेरा पॉइंट समझ में आया जो मैंने आपको समझाया है, फटाफट जल्दी से बताइए, क्योंकि अब मैं आने वाला हूं अपने मेन टॉपिक पर, जो हम एक एक करके कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा इरोजनल लैंडफॉर्म, याद रखना। तो क्यों, क्योंकि आइसोस्टेटिक रीएडजस्टमेंट होगा, और वो रीएडजस्टमेंट क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेल्ट हो रहे हैं। ओके फाइन, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक करके लैंडफॉर्म्स के बारे में।
उसके सबसे पहले जो लैंडफॉर्म है उसमें हम बात करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में, कि ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं तो होते क्या हैं। मतलब जब ग्लेशियर मूव करेगा तो इसकी कुछ एक्टिविटीज होंगी जिसको हम बोलते हैं इरोजनल एक्टिविटीज। जब ग्लेशियर मूव कर रहा होगा किसी भी माउंटेन से, सो ये कुछ इरोजनल वर्क करेगा, इसकी कुछ इरोजनल एक्टिविटीज होंगी और उसके कारण जो लैंडफॉर्म का क्रिएशन होगा उसको हम बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। क्लियर है क्या बोलते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। हाँ आयुष बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेंज आपने बोला ना, जो एक बायोन्सी फोर्स वो थोड़ा सा अलग चीजें हैं। आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम के ऊपर मैं एक पूरी क्लास लूंगा जो आपको बताऊंगा कि हमारी जो अर्थ के ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं वो जो सब स्टेबल है उसके लिए एक आइसोस्टेटिक चीजें रीएडजस्टमेंट पूरा मेंटेन हुआ है। अगर वो डिस्टर्ब होता है उससे क्या होता है, अर्थ में शेकिंग आती है, ये चीज याद रखना। फाइन, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स के बारे में। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इरोजनल हमारी कितने तरीके से होंगी, हमारी जो इरोजनल एक्टिविटीज हैं वो कितने तरीके से होंगी, समझने की कोशिश करना। सर हमारी एब्रेशन होगा, हमारी प्लकिंग होगी और स्क्रैचिंग होगी, तीन तरीके से हमारा ग्लेशियर का लैंडफॉर्म होगा। समझ में आ गया? अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से एक इरोजनल लैंडफॉर्म में जो पहला लैंडफॉर्म बनेगा, जो आज तक बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि कैसे बनता है, उसको बोलते हैं कोरी। कोरी और CWM, ये बनता कैसे है? सुना है CWM और कोरी के बारे में, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? समझ में आ गया? क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं ये कोरी क्या होती है। यहां पर ये हमारा माउंटेन है, समझने की कोशिश करना, यहां पर ये हमारा माउंटेन है। क्लियर है? यहां पर ये हमारा माउंटेन है, और अच्छे से बना देता हूं, यहां पर ये हमारा माउंटेन है। अब क्या होगा, इस माउंटेन के ऊपर से ग्लेशियर मूव करेगा, इस माउंटेन के ऊपर से ग्लेशियर मूव करेगा, करेगा सही बात है। तो ग्लेशियर क्या करेगा, इस माउंटेन को प्लग आउट करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? माउंटेन को प्लग आउट करने की कोशिश करेगा। तो जब ग्लेशियर माउंटेन को प्लग आउट करने की कोशिश करेगा तो प्लग आउट करके इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से। माउंटेन जो ये वाला हिस्सा था, इतना ये पूरा हिस्सा, ये सब आपका प्लग आउट हो जाएगा, यहां पर ये पूरा हिस्सा प्लग आउट हो जाएगा और यहां पर इस तरीके से ये फॉर्म्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोरी। क्या बोलते हैं? कोरी। और इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये आर्म शेप्ड है, आर्म शेप्ड, ठीक है, आर्म शेप्ड चेयर बोल सकते हो आप एक तरीके से, आर्म शेप्ड चेयर की फॉर्म में बन चुकी है आपकी जो ये चेयर है, आर्म शेप्ड चेयर। तो इसने क्या किया, जब ग्लेशियर मूव किया तो प्लगिंग करके इरोजन कर दिया, जो ग्लेशियर यहां तक था पूरा, ये जो पूरा लैंडफॉर्म माउंटेन यहां तक था, जब ग्लेशियर मूव किया तो ग्लेशियर ने पूरा यहां पर इसको प्लग कर दिया, और प्लग करने के बाद ये इस शेप में बन गया, आर्म शेप में। और यही आर्म शेप जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं CWM और इसी को बोलते हैं कोरी। अब आपको दिखाता हूं रियल लाइफ में कोरी कैसा होता है। समझ में आ गया? रियल लाइफ में कोरी कैसा होता है, अब आपको समझने की जरूरत है कि सर ये रियल लाइफ में कोरी कैसा होता है, उसको एक बार अगर हम समझ ले तो कैसा लगेगा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, इधर से और अच्छे से मैं अगर आपको दिखा पाऊं, ये देख रहे हो आप, यहां पर देखिए, यहां पर देख रहे हो ग्लेशियर था, इसने इरोड कर दिया ये वाला हिस्सा, आप देख रहे हो ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो, अगर आप खुद से इमेजिनेशन कीजिए, मेरा इमेजिनेशन मत देखिए, आप खुद से इमेजिनेशन कीजिए, यहां पर जब ग्लेशियर मूव कर रहा है तो ये वाला हिस्सा जो है यहां पर, ये क्या हो चुका है, इरोड हो चुका है, प्लग आउट हो चुका है। तो ये क्या बना है, यही तो आपकी कोरी है, इस तरीके से, इसी को तो हम कोरी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके से, तो ये क्या है, इसी को सर्क बोलते हैं, इसी को कोरी बोलते हैं, याद रखना इसको सर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्क, कोरी एंड CWM, ये चीज आपको याद रखनी है। सब स्टूडेंट को चीजें इमेजिन हो गई? ठीक है, ओके, इमेजिन हो गई किस तरीके की कोरी है। ये वाला जो पोर्शन है माउंटेन का, जब ग्लेशियर यहां से मूव किया तो उसको प्लगिंग आउट कर लिया, तो प्लगिंग आउट करने से क्या हुआ, ग्लेशियर ने बिग मासेस को प्लग आउट कर लिया, तो यहां पर जब बिग रॉक को प्लगिंग आउट कर लिया तो यहां पर कोरी का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ?
अब क्या होगा गाइस, यहां पर एक कोरी बन गई। अब सेम अगर मैं आपके सामने माउंटेन को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से अगर आप चीजों को समझते हो, यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास, ठीक है, समझने की कोशिश करना, एक एक करके बिल्कुल इमेजिन करना, यहीं पर कि आप यहीं पर बैठे हुए, ठीक है, यहीं पर मेरे साथ हो, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पर ये चीजें बनेंगी तो आपको बेटर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। जब यहां पर ये ग्लेशियर मूव कर रहा था, ये माउंटेन है, आपको पता है माउंटेन की अलग अलग साइड्स होती हैं, माउंटेन की अलग अलग साइड्स होती हैं, जैसे यहां पर एक साइड है, एक साइड ये रही, इस तरीके से बनी होती है। तो जब ये वाले पार्ट पर हमारा ग्लेशियर मूव करेगा तो यहां पर क्या बना देगा, कोरी बना देगा, CWM बना देगा, सर्ग बना देगा। अब ग्लेशियर जब इधर वाली साइड की तरफ मूव करेगा तो यहां पर भी कोरी बना देगा और सर्ग बना देगा। समझने की कोशिश करना, जब माउंटेन में कोरी टू अपोजिट साइड में बने, समझने की कोशिश करना, जब कोरी एक तो इधर बन गई और एक इधर बन गई, CWM और कोरी, तो क्या होगा, यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये आपको एक तरीके से किस तरीके से दिखेगा, हाइलाइटेड दिखेगा इस तरीके से। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरी जो रॉक है ये इरोड हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये माउंटेन है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला हिस्सा जो इरोड हो गया तो इसकी पॉइंट दिखेगी इस तरीके से, सिर्फ पॉइंट। तो ये वाली जो पॉइंट अगर आपको दिख रही है यहां पर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्टीज। इसको क्या बोलेंगे गाइज, आर्टीज बोलेंगे। समझ में आ गया, तो याद रखना ये वाली लाइन क्या है, इसको बोलते हैं आर्टीज। आर्टीज क्या है, जहां पर ये दो कोरी अपोजिट डायरेक्शन में बन रही हैं, दो कोरी अपोजिट डायरेक्शन में बन रही हैं और उनके बीच में एक बहुत ही वेरी शार्प पॉइंटेड शार्प बाउंड्री बन चुकी है। यहां पर ये पॉइंटेड शार्प बाउंड्री बन चुकी है, इसको बोलते हैं आर्टीज। और जब ग्लेशियर मूव करेगा, प्लगिंग करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएंगी, कोरी, सर्क और CWM का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया, अभी नेटवर्क का इश्यू हो रहा है गाइस, अभी नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, मुझे फटाफट जल्दी से बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी। अब आप बोलोगे सर ऐसे लैंडफॉर्म कहां पर दिखेंगे, कोरी कहां पर दिखेगी, तो आपको बताता हूं, कोरी आपको दिखेगी नंदा देवी जो पीक है वहां पर आपको कोरी का फॉर्मेशन दिखेगा। माउंट ब्लैंक जो कि एल्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। माउंट मैकेले जो USA की हाईएस्ट पीक है वहां पर आपको दिखेगा। माउंट मैकेले में, माउंट ब्लैक में नंदा देवी, इस तरीके का आपको कोरी दिखेगा। और यहां पर जो पॉइंटेड साइट है इसको हम बोलते हैं आर्टीज, ठीक है, ये पॉइंटेड, यहां पर भी कोरी और इधर की तरफ भी कोरी। जब कोरी अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए और अपोजिट डायरेक्शन में बनने के बाद जो ये बाउंड्री है ये बहुत ही शार्प बाउंड्री हो, ये वाला हिस्सा, तो इसको बोलते हैं आर्टीज। CWM, सर्क और कोरी आर द सेम थिंग, ये यहीं पर है, आपको याद रखना, ये जर्मन वर्ड है, आपको बस CWM रखना है, उतना ही मोर देन सफिशियंट है, याद रखना, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अगर आपको वर्ड्स में जाऊं तो मैं यहां पर आपके सामने होगा, देखिए सिंपल सा पॉइंट है ना, जब डाउन स्लोप मूवमेंट होगा ग्लेशियर का और स्नो कवर्ड है, तो जब स्नो कवर्ड है वैली का हेड, तो ये क्या करेगा, इंटेंसिव सेटरिंग करेगा अपलैंड स्लोप्स की, इरोड करेगा एक तरीके से, और वहां पर डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। और जब डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा तो प्लगिंग और एब्रेशन के कारण वो डिप्रेशन और फर्दर हो जाएगा, जिसके कारण एक हॉर्स शू शेप्ड बेसिन क्रिएट होगा, उसको फ्रांस में सर्ग बोलते हैं, उसको CWM बोलते हैं वेल्स में, और कोरी बोलते हैं उसको स्कॉटलैंड में। अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नेम है, ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ गया, कोरी उसको स्कॉटलैंड में बोलते हैं, CWM उसको वेल्स के अंदर बोलते हैं, और सर्क उसको फ्रांस के अंदर बोलते हैं। सो ये सब एक ही चीज है, जब ग्लेशियर मूव करेगा तो यहां पर ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप, यहां पर उसको प्लगिंग आउट करके डिप्रेशन बना देगा, और सेम वही डिप्रेशन यहां पर बना देगा, सेम वही डिप्रेशन यहां पर बना देगा, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी। और जब डिप्रेशन यहां पर भी बन गए, यहां पर भी बन गए इधर वाले हिस्से पे, और उसके बाद ये वाला जो पॉइंटेड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे आर्टीज, इसको आर्टीज। और वहीं पर जो इसका पॉइंट है ऊपर का, ये वाला जो पॉइंट, इसको बोलते हैं पिरामिडल पीक, पिरामिडल पीक, और इसको बोलते हैं हॉर्न। क्या बोलते हैं, हॉर्न, याद रखना, जैसे सींग होते हैं ना, हॉर्न होते हैं,
वन हॉर्न राइनासोर्स, तो इसी तरीके से पॉइंटेड है जैसे हॉर्न है, वो क्या होता है, हॉर्न भी तो पॉइंटेड होता है इस तरीके से। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां पर ये हॉर्न है, ये भी तो पॉइंटेड होता है, सेम इसी तरीके से इसको बोलते हैं आपका क्या चीज, पिरामिडियल पीक और हॉर्न बोलते हैं, याद रखना। तो ये क्या है, आर्म शेप्ड आर्म चेयर, जो आर्म चेयर है इस तरीके से। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा इस तरीके से बना है आपका, यहां पर ये देखिए, तो आर्म शेप्ड बन चुका है, आर्म शेप्ड चेयर की शेप में बन चुका है, जिसको मैंने आपको बताया। ठीक है, कोरी समझ में आ गई, आर्टी समझ में आ गई, पिरामिडियल पीक समझ में आ गया, हॉर्न आपको समझ में आ गया। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या टान लेक क्या होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां पर आपको बताता हूं। अब क्या हुआ, जब ग्लेशियर मूव किया, यहां पर जब ग्लेशियर मूव किया तो इस कोरी वाला जो पोर्शन है, यहां पर ग्लेशियर मूव किया, उसके बाद क्या होगा, अगर वो ग्लेशियर का जो वाटर है वो मेल्ट हो जाएगा और यहां पर उस डिप्रेशन में फिल अप हो जाएगा, और जब डिप्रेशन में फिल अप हो जाएगा और वहां पर जो लेक बनेगी, उस लेक को बोलते हैं तान लेक और कोरी लेक। उस लेक को क्या बोलते हैं, तान लेक और कोरी लेक। समझ में आ गया, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए फटाफट। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको बिस्कुट बोट टॉपोग्राफी से भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी मैं पढ़ाऊंगा बिग बास्केट, बास्केट टॉपोग्राफी के नाम से बोली जाती है बिग बोट। इसका मतलब ऐसा लगता है अगर वो कुछ खाना वाना बना रहे हो, कुछ खा पी रहे हो ना, उस टाइम पर उन्होंने इसको देखा होगा और उसका नाम उसी के ऊपर रख दिया कि बास्केट टॉपोग्राफी, एग बास्केट टॉपोग्राफी रख दिया, बिग बास्केट टॉपोग्राफी रख दिया, इस बिग बोट टॉपोग्राफी, इस तरीके से उन्होंने इनके नाम का फॉर्मेशन किया है। तो मैंने आपको क्या बताया, आरटी क्या है, आरटी ये वाला जो पॉइंटेड पॉइंट है, जब एक कोरी यहां पर है, एक कोरी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये पॉइंटेड वाला पॉइंट आपको दिखेगा। समझ रहे हो चीजों को, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, मैं आपको दिखाता अगर मेरे पास कुछ चीज होती तो आपको और बेटर तरीके से इमेजिन करवाता। यहां पर जैसे ये वाला पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन भी इरोड हो गया पीछे की तरफ, यहाँ वाला भी डिप्रेशन क्रिएट हो गया, और ये वाला जो पॉइंटेड पॉइंट है ये आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंटेड पॉइंट आगे की तरफ आ रहा है जिसमें आपको दिखेगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहां पर अगर आप ये वाला पॉइंटेड पॉइंट देखोगे, ये आगे की तरफ, यहां पर कोरी, और ये वाला पॉइंटेड पॉइंट ये आगे को दिखेगा आपको, इसी को बोलते हैं आपका आर्टीज। ये क्या है, पिरामिडल पीक है और इसको हॉर्न बोलते हैं, यहां पर ये कोरी, इसी को सर्क बोलते हैं और इसी को CWM बोलते हैं। टान लेक मतलब जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ था कोरी का, और जब लेक मेल्ट हो जाएगी तो वहां पर आपका वाटर फिलअप हो जाएगा, जो ग्लेशियर लेक मेल्ट हुई है उसको टान लेक बोलते हैं, याद रखना। अब मैं आगे बात करता हूं, आर्टीज और पिरामिडल क्या है, व्हेन द टू कोरीज, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से, एक एक चीज यहां पर लिखी हुई है जो मैंने बता रहा हूं। When the two cories cut back on opposite side, जब यहां पर कोरीज अपोजिट साइड में कट करेंगी और उसके बाद जो नाइफ एज, ये नाइफ की तरह जो एज वाली रिज है, इसको हम बोलते हैं आर्टीज। और वहीं पर when the three, याद रखना यहां पर समझने की कोशिश करना, एक इस वाले इस साइड पर है, एक इस वाले पर है, एक इस वाले पर, एक कोरी यहां पर बनी, एक कोरी यहां पर बनी, एक कोरी यहां पर बनी, ये वाला जो पॉइंट है इसको आर्टीज बोलेंगे। और जब तीन कोरी, एक दो तीन, तीन कोरी अपोजिट डायरेक्शन में कट करेंगी तो ऊपर जो पिरामिडल पीक शेप में बन जाएगी, इसको हॉर्न और पिरामिडल पीक बोलते हैं। तो याद रखना, व्हेन द थ्री और मोर सर्क कट बैक टुगेदर एंड रिसेशन फॉर्म एन एंगुलर हॉर्न, तो ऊपर एक एंगुलर हॉर्न बन जाएगा जिसको पिरामिडल पीक के नाम से जाना जाता है। तो पॉइंट याद रखना, तीनों में क्या डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल सही बात है निश, बिल्कुल सही बात है दीप्ति, बिल्कुल, जो पॉइंटेड एज है ना बिटवीन द कोरी। अब मान के चलिए यहां पर देखिए, ये माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है इस तरीके से, इस तरीके से एक माउंटेन का साइड इस तरीके से। अब क्या होगा, ये वाला हिस्सा इरोड होके डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, इरोड हो रहा है, यहां पर कोरी का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये वाला हिस्सा पॉइंटेड साइड बिल्कुल सामने है, और ये जो पॉइंटेड एज है इसी को तो हम आर्टीज बोलते हैं, और यहां पर ये शार्क है, इसको CWM बोलते हैं, जो इरोजन हुआ है आर्म शेप्ड में,
चेयर शेप्ड, जो आम शेप्ड चेयर है उसकी शेप में ये हो गया। उसके बाद एक सर की यहां बन गई, एक सर की यहां पर बन गई और एक पीछे की तरफ बन गई। तो जब तीन सर अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होंगी, और ऊपर का जो टॉप है इसको पिरामिडियल पीक और हॉर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थ्री डायमेंशन, बिल्कुल सही बात है। आगे चले, ये पॉइंट आपके सामने बिल्कुल इमेजिन कीजिए ना, मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या होती है। ये सही में आपको टफ लग रहे होंगे। रीजन आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि हमने जब फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ाया, मतलब जो रिवर के वाटर के द्वारा, तो भाई रिवर तो हम लैंड एरिया में रहते हैं, हमारे पास खूब फ्लो करती हैं। हमने वहां पर लिवीज देखी हैं, हमने वहां पर जॉर्जेस देखे हैं, हमने वाटरफॉल्स देखे हैं, सब चीजें देखी है। हमने जब डेजर्ट पढ़ा तो हमने वहां पर मशरूम रॉक भी देखी है, हमने वहां पर सैंड्यून्स भी देखे हैं, हमने मीसा एंड बर्ड्स भी देखे हैं। बट जब हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म पढ़ते हैं तो आपके उस एरिया पर पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, स्पेशली अगर मैं बात करूं इंडियन पॉपुलेशन। अगर आप पीक पर चले जाओगे वहां पर बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही मिनिमम पॉपुलेशन है, तो हम उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाते। बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप उस चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसको माइंड में देखिए। इस तरीके से फिगर है, बार बार मैंने बहुत सारी फिगर्स आप लोगों के लिए अरेंज की हुई है। ठीक है, अब आपका यहां तक चीजें समझ में आ गई, फाइन, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? तो अगर आपको लिखना है तो चीजें लिख सकते हो। अगर आपसे पूछे ना कि सर्क, कोरी, ये सब चीजें हैं क्या, तो आप सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपसे कोई पूछे तो लिख लीजिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखिए यहां पर इन्होंने बोला हुआ है कितने टाइप के इरोजन है। इरोजन में अगर हम बात करें, एब्रेशन है, प्लकिंग है और स्क्रैचिंग है। तो एब्रेशन में क्या है, स्क्रैचेस आ रहे हैं, स्क्राप्स आ रहे हैं जब ग्लेशियर मूव कर रहा है। प्लगिंग में क्या कर रहा है, ग्लेशियर प्लग आउट कर रहा है रॉक्स को। अब मैं आपको समझाता हूं चीजों को आगे जाके। ये तो ग्लेशियर की वैली है, आगे जाके एक एक करके चीजों को समझाता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अगर आपसे कोई बोले ना कि कोरी CWM और सर्क को डिफाइन कीजिए, तो आप, मैं बताऊं क्या लिखना, ये जो मैं बता रहा हूं वो चीजें आप लिख देना, कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। ये एक तरीके से यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ है। ये क्या है, एक तरीके से यू शेप्ड, अगर आप देखोगे ना, ये यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ है। मतलब यू शेप में ये क्या हुआ है, आपका प्लग आउट हुआ है ग्लेशियर ने रॉक्स को। तो यू शेप ग्लेशियल ट्रफ का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है गाइस, यू शेप ग्लेशियल ट्रफ का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर यू शेप में ग्लेशियर ने ट्रफ क्रिएट किया है जिसको कोरी बोलते हैं, इसी को CWM बोलते हैं। क्लियर? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यहां पर ये स्टीप साइड बन चुकी है। जब इसको प्लग आउट करेगा तो यहां पर प्लग आउट करने के बाद जो माउंटेन इस तरीके से था, अब इसको प्लग आउट करेगा तो यहां पर इस तरीके से आर्म शेप्ड चेयर बन जाएगी। तो ये साइड है ना, यहां पर ये क्या बन चुकी है, स्टीप साइड बन चुकी है। क्या बन चुकी है, स्टीप साइड बन चुकी है। और यहां पर जब इधर की तरफ भी सेम ये वाला हिस्सा है, अभी आप देखना है, इसको एनालाइज करवाता हूं आपको। अब यहीं पर सेम इरोजन हो जाए, यहां पर जो है ये भी इसी तरीके से इरोड हो जाए, तो ये वाला हिस्सा गायब हो गया इरोड होके। क्यों? क्योंकि यहां पर भी एक CWM और कोरी बन गई, और ये वाला हिस्सा भी इरोड हो गया, तो यहां पर भी एक CWM और कोरी बन गई इस तरीके से। और यहां पर बीच में पॉइंटेड जो साइड बचेगी, इसी को तो RT बोलते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। और याद रखना, कोरीज में सेडिमेंट्स नहीं होते, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि कोरी क्या है, प्लग आउट करके ले गई ना, प्लग आउट करके ले गई। समझ में आ गया? और जब अपोजिट साइड में दो कोरीज बन जाएंगी तो RTs बनेंगी, और जब तीन कोरीज अपोजिट साइड में आपकी फॉर्म्ड होंगी तो उसमें पिरामिडल पीक बनेगी, हॉर्न जिसको बोलते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आता हूं, जिसमें हम बात करेंगे, कोरीज हो गया, टान लेक हो गया, आर्टीज हो गया, उसके बाद बोलते हैं बक्स, बक्षरंड के नाम से जाना जाते हैं। बक्षरंड आपने सुना होगा, बक्षरंड, ये क्या होते हैं, बक्षरंड। सर इतना अजीब सा नेम है, क्योंकि एक जर्मन नेम है, याद रखना ये एक जर्मन नेम है, बक्षरंड। ये बक्षरंड क्या है, एक जर्मन नेम है, और उसी के बेसिस पर अब क्या होता है बक्षरंड। देखिए गाइस, जब आपका ग्लेशियर मूव करता है ना, तो मूव करते वक्त जब ग्लेशियर में इस तरीके से क्रैक्स बन जाते हैं, ये वाले क्रैक्स, इनको बोलते हैं बक्षरण। समझ में आ गया?
यहां पर ये क्रैक्स दिख रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं बक्श। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? क्या होता है गाइस, जो हमारा समर सीजन होता है ना, तो समर सीजन में टेम्परेचर हो जाता है हाई। समर सीजन में टेम्परेचर हो जाता है हाई। जब समर सीजन में टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ग्लेशियर में इस तरीके से क्रैक्स बन जाते हैं, और इन्हीं क्रैक्स को बोलते हैं बक्षरण। समझ में आया? अगर हम एक कंटेंट को पढ़ लें, एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर वेयर इट बिगन्स टू लीव द स्नोफील्ड ऑफ द कोरी अ डीप वर्टिकल क्रैक कॉल्ड अप एज अ बक्षरण और रीमे। तो दैट मीन्स जो हमारा ग्लेशियर है, हेड ऑफ द ग्लेशियर, तो जब वेयर टू बिगिन द लीव ऑफ द स्नोफील्ड कोरी, तो जब वो आगे की तरफ मूव करता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, और उसी क्रैक्स को बोलते हैं बक्षरण। ठीक है? ओके, कब होता है? इट हैपेंस इन समर सीजन। ये समर सीजन में होता है, व्हेन ऑल्दो द आइस कंटिन्यू टू मूव आउट ऑफ द कोरी। आइस कोरी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, एंड देयर इज नो न्यू स्नो। तो उसमें क्या होता है, अब समझने की कोशिश करना, यहां पर देखना नीचे की तरफ ये बक्षरण क्यों बने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एनालाइज कीजिए। यहां पर ये माउंटेन है, ठीक, माउंटेन है, समझने की कोशिश करना। यहां पर ग्लेशियर मूव कर रहे हैं, ग्लेशियर ने क्या किया, कोरी का फॉर्मेशन कर दिया। ग्लेशियर ने क्या किया, यहां पर कोरी का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये कोरी बन गई। अब यहां पर जब समर सीजन आता है तो इस कोरी वाले पार्ट से यहां से आइस बाहर निकलने की कोशिश करती है, इधर की तरफ नीचे की तरफ बाहर आइस निकलने की कोशिश करेगी। बट यहां पर पीछे का जो पार्ट है, यहां पर इधर की तरफ कोई नई आइस नहीं होगी, क्योंकि समर सीजन में न्यू स्नोफॉल और यह आइस का फॉर्मेशन तो नहीं होगा। तो इस पीछे वाली जो ये आगे की तरफ रिप्लेस कर गई, पीछे की तरफ तो कोई इसको आइस रिप्लेस नहीं करेगी, तो जब ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी तो पीछे तो कोई आइस नहीं है, तो यहां पर बीच में क्रैक बन जाते हैं इस तरीके से, और इन्हीं क्रैक्स को बोलते हैं बक्षरण। इन्हीं को क्या बोलते हैं, बक्षरण बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके सामने समझ में आ गई होंगी, व्हाट इज बक्षरण। ताल लेख समझ में आ गई, बक्षरण समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ और रिबन लेक के बारे में, कि रिबन लेक क्या होती हैं, यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रंक या आपका जो ये सारी चीजें वैलीज क्या होती हैं। कोई मुझे एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपसे पूछता हूं, बहुत अच्छे से आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्या जो ग्लेशियर है, जहां पर ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, क्या वहां पर वी शेप्ड वैली बनती है? क्या वहां पर वी शेप्ड वैली बनती है, मुझे बताइए आप फटाफट। क्या वहां पर वी शेप्ड वैली बनती है, जल्दी से बताइए। कोई मुझे बताएगा कि वी शेप्ड वैली बनती है जहां पर ग्लेशियर प्रेजेंट है, एनी वन ऑफ यू, कि सर बनती है नहीं बनती, कोई भी मुझे अगर बता सकता हो। नो सर, यू शेप्ड वैली बनेगी। कोई रीजन बताएगा वाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? गाइज याद रखना, कल मैं फ्लड के ऊपर टॉपिक लेने वाला हूँ 9 PM पर, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मेंस के लिए। ठीक है, दिल्ली की टॉपोग्राफी क्यों, कौन रिस्पॉन्सिबल है, सारी चीजें कवर करेंगे। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ 20-25 आधे घंटे का टॉपिक होगा, उसमें सारे एस्पेक्ट कवर करूंगा, फ्लड मैनेजमेंट को लेके, एक एक चीजों को लेके। उसी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मैं अभी बता देता हूं, आज है 21 को क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं, 21 को क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, 20 यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ सर्क होता है, बिल्कुल सही बात है, यू शेप्ड ही तो बना है वो इस तरीके से, यू शेप्ड ग्लेशियल ट्रफ ही तो सर्क और कोरी और CWM होता है, वो बिल्कुल सही लिख सकते हो आप। अब मैं आपके सामने बता रहा हूं 21 से, क्लियर है, 21 से मैं क्या करूंगा, 21 से मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा, याद रखना। पहला लेक्चर स्टार्ट होगा क्लाइमेटोलॉजी के इंट्रो से, और याद रखना 20 लेक्चर के अंदर क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके सामने 24-25 लेक्चर हो गए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज एक लेक्चर 90 मिनट्स का था, तो आप देख लीजिए अराउंड 40 आवर्स की हमने जियोमॉर्फोलॉजी कवर की है। क्लाइमेटोलॉजी 40 आवर्स की कवर करेंगे, ओशनोग्राफी 30 आवर्स की कवर करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी 50 घंटे की होगी, 50, 80, 120, 160, 150, और उसके बाद और भी पार्ट, यानी कि अराउंड मैं आपका ज्योग्राफी फ्री में 180 आवर्स की कवर कर रहा हूँ, और मैपिंग सीरीज अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, इतनी डिटेल में चीजें होंगी। ठीक है,
तो उस चीज के साथ समझिएगा, एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे समझा है। जियोमॉर्फोलॉजी कहीं पर भी पढ़ना, जितने डिटेल में एक एक इमेजेस के साथ पढ़ा है, बहुत मेहनत से पढ़ा है, सबसे ज्यादा मेहनत से अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई कोर्स किया है तो ये वाला है जो आपका ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच है, इसको याद रखना। बहुत अच्छे से चीजें पढ़ाने की कोशिश की है आप लोगों को कि एक एक चीजें समझा सकूं, एक एक पॉइंट आपको इमेजिन करवा सकूं, हैंडमेड डायग्राम से भी और जो आपके वर्चुअल डायग्राम्स हैं, रियल डायग्राम्स हैं, उनके थ्रू। उसके साथ साथ मेरा 24th के अप्रोक्स, 24th ऑफ जो आपका जुलाई है, वहां से 15 मिनट सीरीज स्टार्ट होगी। 15 मिनट सीरीज मॉर्निंग में 9 AM, जिसमें 15 मिनट के अंदर मैं पूरा टॉपिक कवर करूंगा। याद रखना, पूरा टॉपिक कवर होगी। टॉप नहीं, टाइमिंग वही रहेगी, टाइमिंग आपकी 9 PM रहेगी। कल से 9 PM हम मिलेंगे फ्लड के बारे में, उससे अगले दिन क्लाइमेटोलॉजी। 10 AM मॉर्निंग मेरा प्लस कोर्स चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, और मे भी बहुत जल्दी ऑप्शन आने वाला है ज्योग्राफी का, उसको कवर करेंगे। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कवर कर लेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं यू शेप्ड वैली के बारे में, कि यू शेप्ड वैली और रिबन लेक होती क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए गाइस, हमारे जो ग्लेशियर मूव करते हैं ना, वो कभी भी वी शेप्ड वैली नहीं बनाते। हमारे जो ग्लेशियर मूव करते हैं वो कभी भी वी शेप्ड वैली नहीं बनाते, याद रखना, क्योंकि वी शेप्ड वैली बनाने के लिए जो वाटर है ना, वाटर फोर्स लगाता है, पुश करता है रॉक्स को, जिसके कारण वो इरोजनल एक्टिविटी करता है, और अपनी यंग स्टेज में जो वाटर का प्रेशर है वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण वो इरोड करके, वर्टिकल इरोजन करके वी शेप्ड वैली बना लेता है। बट ये चीज आपका ग्लेशियर के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ग्लेशियर में, यहां पर आप देखिए ना, ग्लेशियर ने क्या किया है, यहां पर ये ग्लेशियर है तो इसने क्या किया है, यहां पर चीजों को समझिए ना, यहां पर ये यू शेप्ड वैली बनाई है। क्या बनाई है? यू शेप्ड ग्लेशियर ट्रफ है, क्योंकि जब ग्लेशियर मूव करेगा ना तो उसकी फोर्स इतनी नहीं होगी, क्योंकि जो आइस है वो किस फॉर्म में है, अगर आप देखोगे तो आइस एक लिक्विड की फॉर्म में तो नहीं है, तो जब लिक्विड की फॉर्म में नहीं है तो वर्टिकल इरोज नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जब ग्लेशियर मूव करेगा तो यू शेप्ड में वैली बनाएगा, ना कि वी शेप्ड में वैली। वी शेप्ड में वैली फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में बनती है, वी शेप्ड में वैली जब रिवर वाटर रिवर बनाती है, बट ग्लेशियर क्या बनाएंगे, यू शेप्ड की वैली बनाएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अच्छे से चीजों को समझना, अब बहुत अच्छे से समझना, क्या सर यहां पर कभी भी वी शेप्ड वैली नहीं थी? देखिए, जब आइस एज आई थी, आइस एज से पहले यहां पर रिवर फ्लो करती होंगी, यहां पर जब आइस एज थी उनसे पहले रिवर फ्लो करती होंगी, और जब वो रिवर फ्लो करती होंगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वी शेप्ड वैली बना दी, उन्होंने वी शेप्ड वैली बना दी। बट वी शेप्ड वैली होने के बाद जब हमारा ग्लेशियर बने, या आइस एज से पहले के टाइम पर, आइस एज नहीं थी उस टाइम, ग्लेशियर नहीं थे हमारे, तो उससे पहले माउंटेन से रिवर फ्लो करती होंगी, और जब ये रिवर फ्लो कर रही होंगी तो यहां पर वी शेप्ड वैली बन गई। उसके बाद क्या हुआ, आइस एज आई, आइस एज आई तो माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर बने, और जब ये ग्लेशियर बने तो ग्लेशियर मूव करते हैं इस तरीके से, और जिसके कारण जो आपकी वी शेप्ड वैली है ये मॉडिफाइड होके यू शेप्ड वैली बन गई, मॉडिफाइड होके यू शेप्ड वैली बना दी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यू शेप्ड वैली किस तरीके से बनेगी, इस तरीके से यू शेप्ड वैली, और वहीं पर वी शेप्ड वैली बनानी है तो वी शेप्ड वैली इस तरीके से। तो पहले वी शेप्ड वैली थी, उसको ग्लेशियर ने मॉडिफाइड करके वी शेप्ड वैली से यू शेप्ड वैली बना दी। ये चीजें आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? अब आपके सामने एक आता है हैंगिंग वैली क्या होती है, एक आता है रिबॉन लेक क्या होती है, रिबन लेक, रिबॉन लेक क्या होती है और हैंगिंग वैली क्या होती है। यहां पर आपको दिख रहे होंगे, समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? कैसे समझाऊं आपको, किस तरीके से समझाने की कोशिश, यहां पर ये यू शेप्ड ग्लेशियर है, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। यहां पर ये यू शेप्ड ग्लेशियर फ्लो कर रहा है, यहां पर ये यू शेप्ड ग्लेशियर है, यू शेप्ड ग्लेशियर, ठीक है, यहां पर ये यू शेप्ड ग्लेशियर है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, यहां पर ये माउंटेन है, ठीक है, यहां पर ये माउंटेन है, क्लियर है, और यहां पर बीच में यू शेप्ड ग्लेशियर है।
तो क्या होगा गाइज, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर, यहाँ से अलग अलग ट्रिब्यूटरी आएंगी ग्लेशियर की, और ये जो ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर है इस तरीके से, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर जब इस मेन यू शेप्ड ग्लेशियर के साथ ज्वाइन हो जाएंगी, समझने की कोशिश करना, इसके बेस के साथ ज्वाइन हो जाएंगी, यहाँ पर ये यू शेप्ड वाली आ रही है, यहाँ पर भी तो एक ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर है ना, यहाँ पर ये देखिए यहाँ से आ रही है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर, इधर की तरफ से ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर है, इस तरीके से आएंगी। तो जब ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर जो है ये आपका ऊपर से नीचे की तरफ इस यू शेप्ड में गिरेंगी, तो यहाँ पर एक वैली बनेगी, ये वाली जो वैली है इसी वैली को बोलते हैं हैंगिंग वैली, इसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली, समझने की कोशिश करना, इसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली। समझ में आ गया, क्लियर है, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी। जब ये हैंगिंग वैली का, यहाँ पर जो हैंगिंग वैली जब ग्लेशियर में बन रही है, और इसी जब हैंगिंग वैली है तो यहाँ पर वाटरफॉल्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? वाटरफॉल्स। तो हैंगिंग वैली क्या है? हैंगिंग वैली आप बोल सकते हो जब ट्रिब्यूटरी जो है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ग्लेशियर की ट्रिब्यूटरी। सो जो ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर्स हैं वो ज्वाइन कर रही हैं किसके साथ? मेन यू शेप्ड वैली के साथ। ये यू शेप्ड ग्लेशियर की वैली है, इसके साथ ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्लेशियर जो मूव कर रहे हैं, तो मूव करने के बाद जब ये लोकल बेस लेवल पर यहां पर फॉर्म होंगी, तो यहां पर हैंगिंग वैली का फॉर्मेशन होगा। याद रखना किसका फॉर्मेशन होगा? हैंगिंग वैली का फॉर्मेशन यहां पर आप देख रहे हो, और याद रखना, और जहां पर हैंगिंग वैली मिलेगी वहां पर आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, ये पॉइंट भी याद रखना है। समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए फटाफट। आप यहां पर देखिए, यहां पर ये यू शेप्ड वैली दिख रही है, बहुत अच्छे से समझना, यहां पर ये आपको यू शेप्ड वैली दिख रही है इस तरीके से, समझ रही है? यहां पर ऊपर से इधर से आपके जो ट्रिब्यूटरीज ऑफ ग्लेशियर हैं वो आएंगे, और उसके बाद यहां पर आपको वाटरफॉल्स भी बनता हुआ दिखेगा, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हैंगिंग वैली। क्या बोलते हैं? हैंगिंग वैली। ऐसा लग रहा है वैली को हैंग कर दिया है, और जहां पर हैंगिंग वैली होगी वहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को ये चीज भी आपको याद रखनी है, और ये बीच में क्या है? हैंगिंग वैली। समझ में आ गया, तो यहां पर आप पढ़ सकते हो हैंगिंग वैली क्या है, जो मेन वैली है इरोडेड मच मोर देन द ट्रिब्यूटरी वैली। जो मेन यू शेप्ड वैली है, यहां पर अगर आप देखोगे मेन यू शेप्ड वैली वो बहुत ज्यादा इरोड हो चुकी है। आप यहां पर देखें ना, यहां पर ऊपर से ग्लेशियर मूव कर रहा है, और यहां पर जब ये ग्लेशियर मूव कर रहा है तो ये मेन यू शेप्ड ग्लेशियर में ज्वाइन कर रहा है, और यहां पर जो वैली है इसको बोलते हैं हैंगिंग वैली, और ये जो हैंगिंग वैली है यहां पर आपको नेचुरल वाटरफॉल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स पर। कितनों को समझ में आ गया हैंगिंग वैली के बारे में? समझ में आ गया, क्लियर है? यहां पर देखिए ना, ये क्या बना? ये कोरी बनी, ये कोरी बनी, कोरी में जब वाटर मेल्ट हुआ यहां पर, और ये वाटर जब फिलअप हो गया तो यहां पर टान लेक बनी, और जब ये हैंगिंग वैली, समझने की कोशिश करना, जब ये हैंगिंग वैली, ठीक है, क्लियर है, यहां पर ये जो टान लेक थी, और जब हैंगिंग वैली का जो वाटर है वो वाटर क्या कर रहा है, जब ये सारी हैंगिंग वैली ज्वाइन करेंगी और उसका जो वाटर है वो उस डिप्रेशन में क्रिएट होके फिलअप कर देगा, तो वहां पर जो लेक बनेगी उसको बोलते हैं रिबॉन लेक। क्या बोलते हैं? रिबॉन लेक। तो यहां पर आप देखें ना, ये क्या बनी है? ये वाली रिबॉन लेक ही तो है, रिबन लेक ही तो है। आप देख सकते हो ऊपर से हैंगिंग वैली आया, उसने यहाँ पर ये यू शेप्ड वैली में जो डिप्रेशन था उन सारी हैंगिंग वैली ने उस वाटर को वहां पर डिपोजिट कर दिया, और वहां पर जाकर जो लेक बनी उसको रिबन लेक ही तो बोल रहे हैं, रिबन लेक, ठीक है। अगर आपको अभी डाउट है तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आफ्टर द आइस हैज बीन मेल्टेड अ ट्रिब्यूटरी वैली हैंग अबव द मेन वैली एंड प्लंजेस डाउन एज अ वाटरफॉल एंड प्लंजेस डाउन एज अ वाटरफॉल एंड सच ट्रिब्यूटरी वैली टर्म्ड एज अ हैंगिंग वैली। इसको हैंगिंग वैली बोलते हैं, एंड हैंगिंग वैली मे फॉर्म अ नेचुरल हेड ऑफ वाटर फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि जब वाटर ऊपर से फॉल होगा तो एक्ट एज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए हेल्पफुल होगा, याद रखना। तो रिबन के बारे में भी समझ में आ गया, रिबन लेक क्या है, हैंगिंग वैली के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से फॉर्म हो रही है। उसके बाद में आपके सामने बात करने वाला हूं
मोराइंस क्या होती हैं और बहुत सारी चीजें हैं कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं, आपको ये चीजें मैंने बता दी। अभी तो माउंटेन्स के बारे में बताऊंगा। रोश माउंटेन क्या होते हैं? रोश माउंटेन अगर आपने सुना हो, यहां पर देखिए रोश माउंटेन, ये रहा रोश माउंटेन, कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। रोश माउंटेन कैसे फॉर्म होंगे, ये माउंटेन है, समझने की कोशिश करना, ये माउंटेन है, क्लियर है? बहुत अच्छे से। यहां से ग्लेशियर मूव किया, यहां से ग्लेशियर मूव किया, ये ग्लेशियर मूव कर रहा है इस तरीके से। अब जब ग्लेशियर इस तरीके से मूव कर रहा है तो आपको समझना होगा ग्लेशियर यहां से मूव करके ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा। अब जब ऊपर गया तो यहां से प्रेशर है, तो यहां पर ग्लेशियर की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो यहां पर ऊपर की तरफ ग्लेशियर मूव किया। उसके बाद ग्लेशियर यहां पर काफी हाई स्पीड के साथ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, हाई स्पीड के साथ नीचे की तरफ आएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो एब्रेशन होगा, यहां पर तो एब्रेशन होगा। ग्लेशियर जब मूव करेगा तो इसके सरफेस को क्या करेगा, स्मूथ करेगा। ऊपर से जब ग्लेशियर मूव करेगा तो इस तरीके से मूव करेगा तो इस एरिया को क्या करेगा, स्मूथ कर देगा। तो जहां पर, जहां से ग्लेशियर अपसाइड चल रहा है, जहां पर ग्लेशियर ऊपर की तरफ चल रहा है वहां पर तो स्मूथ एरिया है, और जब ग्लेशियर नीचे की तरफ आएगा तो ये प्लगिंग करेगा, क्या करेगा, प्लगिंग करेगा और हाईली इरोड करेगा, और प्लगिंग और इरोड करके ना इसको इस तरीके से अनइवन बना देगा, इस तरीके से। और यहां पर जो ये अनइवन वाली साइड है, जो ज्यादा इरोड हुई है, ये स्टीप बन चुकी है एकदम, स्टीप मतलब खड़ी बन चुकी है एक तरीके से, तो यहां पर स्टीप साइड का फॉर्मेशन होगा। और इस टाइप के माउंटेन को बोलते हैं रोश माउंटेन। क्या बोलते हैं? रोश माउंटेन। आप देखिए ना, यहां से आइस ने मूव करना स्टार्ट किया तो यहां पर स्मूथ सरफेस है, स्टीप स्लोप नहीं है, बट जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, प्रेशर की तरफ आएगा, फोर्स की तरह आएगा, तो यहां से प्लगिंग करना स्टार्ट करेगा, तो यहां से ये सरफेस अनइवन हो जाएगा इस तरीके से, और जो पहले आगे स्मूथ था अब वो स्मूथ की जगह स्टीप स्लोप बन जाएगा। और इस टाइप के जो माउंटेन होते हैं उसको रोश माउंटेन बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या बोलते हैं? रोश माउंटेन। सो बेसिकली अ रेजिस्टेंट रेजिडुअल रॉक और माउंट स्ट्रेटेड बाय द आइस मूवमेंट। जब आइस मूवमेंट करेगा तो जब अपस्ट्रीम होगा, जब ग्लेशियर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो वहां पर स्मूथन सरफेस होगा, क्योंकि वहां पर एब्रेशन होगा, स्मूथ सरफेस होगा। और जब ग्लेशियर डाउनवर्ड मूव करेगा और लीवर्ड साइड में मूव करेगा तो वहां पर प्लगिंग होगी, प्लगिंग के कारण वहां पर रफ सरफेस क्रिएट होगा, जिसके कारण स्टीपर आपका साइड बन जाएगी, और उसी को बोलते हैं रोश माउंटेन। उसी को क्या बोलते हैं? रोश माउंटेन, ठीक है। अब मैं आपको बताने दोनों चीजें बताऊंगा क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ठीक है, दोनों चीजें बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, कैसे हैं, क्या है, एक एक चीजें, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो रोश माउंटेन में क्या होगा, पॉलिश और जो स्क्रैच होंगे वो किस तरफ होंगे, जहां से सरफेस स्मूथ कहां से होगा, जहां से ग्लेशियर ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब ग्लेशियर डाउनवर्ड आएगा तो प्लगिंग करेगा, इरोड करेगा, और वहां पर रोश माउंटेन होंगे। अब एक स्टूडेंट का डाउट है, सर सर्ग और टेल में क्या डिफरेंस है, क्रैग और टेल में क्या डिफरेंस है, जो क्रैग है और टेल है इसमें क्या डिफरेंस है, ये और बता दीजिए। आपको बताते हैं क्रैग और टेल क्या होता है, समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से कि व्हाट इज क्रैग एंड व्हाट इज टेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आइए समझने की कोशिश करना। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारी चीज आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। आइए, यहां पर क्या हुआ, मान के चलिए ये हमारे पास कोई रॉक का पीस था, ठीक है। अब यहां से ग्लेशियर मूव कर रहा है, समझने की कोशिश करना। अब ग्लेशियर यहां से मूव कर रहा है तो ग्लेशियर अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आएगा, उन सेडिमेंट्स को यहां पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। जब ग्लेशियर यहां से मूव करेगा तो यहां पर सेडिमेंट्स भी डिपॉजिट कर देगा, समझ में आ गया। अब सेडिमेंट्स यहां पर डिपॉजिट करेगा, जब लेके आएगा तो ये सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। बट याद रखना, जहां पर ग्लेशियर मूव कर रहा है आपकी बार, यहां पर स्टीप साइड होगी, यहां पर ये स्टीप होगा इस वाले पार्ट पर, समझने की कोशिश करना, यहां पर स्टीप होगा, और जो ये वाला हिस्सा है ये आपका थोड़ा स्लोप के साथ होगा, यहां पर
ठीक है, स्मूथ के साथ होगा। तो जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्रैग, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं टेल। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है, जब ग्लेशियर मूव करेगा तो यहां पर ये सेडिमेंट्स के डिपॉजिट हैं, याद रखना। क्लियर है, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? फाइन, यहां पर अब अच्छे से पढ़ लीजिए। क्रैग एंड टेल इज अ लार्जर रॉक मास देन अ रोश माउंटेन। जो रोश माउंटेन है उससे बड़ा है साइज में, अगर मैं बात करूं, ठीक है। और जो रोश माउंटेन है वो किसके कारण हुआ था? इट इज फॉर्म फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ रॉक दैट हैज मोर रेजिस्टेंट देन इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग से ज्यादा रेजिस्टेंट थी। बट वहीं पर जो क्रैक है वो एक हार्ड रॉक है जिसमें स्टीप स्लोप है। ये वाला जो स्लोप है ना यहां पर, ये स्टीप है कब? अपवर्ड डायरेक्शन में। वहां पर अगर आप रोश माउंटेन देखोगे, वहां पर स्टीप स्लोप कहां पर था? जब ग्लेशियर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यहां पर स्टीप स्लोप कहां पर है? स्टीप स्लोप वहां पर है जब माउंटेन या जो ग्लेशियर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसके कारण विच प्रोटेक्ट द सॉफ्टर लीवर्ड रॉक। ये जो सॉफ्टर लीवर्ड रॉक है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि वो कंप्लीटली इरोड ना हो सके। एंड देयर फोर एक जेंटल ट्रेल बनती है। किस चीज की ट्रेल? किसकी बनती है? जो यहां पर सेडिमेंट्स हैं उसके बाद जो इरोड होते हुए आए हैं वो यहां पर आकर डिपोजिट होते चले जाएंगे, उसकी एक पूरी टेल बनेगी। ठीक है, ये पूरी टेल बनेगी जो यहां पर है, और ये बोली जाती है टेल, और ये बोला जाता है क्रैग। और यहां पर ये वाली जो साइड है ये स्टीप है, और रॉश माउंटेन में क्या था? ये वाली चीज साइड जो थी ये स्टीप नहीं थी, ये वाली साइड थी ये स्टीप नहीं थी। स्टीप साइड वो वाली थी जहां पर ग्लेशियर नीचे की तरफ उतर रहा था। ये चीजें याद रखनी है, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलें, ये चीजें याद रखना। लाइक शेयर करते रहिए अगर चीजें समझ में आ रही हो तो, और ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल दैट इज unacademy_अनिरुद्ध मलिक, unacademy_अनिरुद्ध मलिक। अब आते हैं आगे की तरफ, ग्लेशियल टिल। अब टिल क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ड्रम लाइंस पढ़ेंगे, व्हाट इज ड्रम लाइन, और टिल क्या होते हैं और मोराइंस क्या होते हैं। देखिए गाइस, जो ग्लेशियर है उसमें जो सेडिमेंट्स हैं, ग्लेशियर में दो टाइप के सेडिमेंट्स होते हैं। जहां पर आपके स्मॉल सेडिमेंट्स हो, सेडिमेंट्स का जो साइज है वो छोटा हो, याद रखना। यानी कि आप बोल सकते हो जहां पर सेडिमेंट फाइन हो, फाइन सेडिमेंट हो, बड़े बड़े ना हो, उनको टिल बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पर जब सेडिमेंट का साइज बड़ा बड़ा हो, बड़े बड़े आपके कोर्स ग्रेन हो, किस शेप में हो? कोर्स ग्रेन सेडिमेंट, ठीक है, कोर्स ग्रेन सेडिमेंट, उसको बोलते हैं मोराइंस। उसको क्या बोलते हैं? मोराइंस बोलते हैं। और जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स हो उसको टिल बोलते हैं, और बड़े बड़े हो उसको आपका टिल बोलते हैं, फाइन सेडिमेंट्स को, और मोटे मोटे कोर्स ग्रेन हो उनको मोराइंस बोलते हैं। ये चीज याद रख। अब मैं आपके सामने बात करूंगा व्हाट इज मोराइंस क्या होते हैं, ड्रमलिंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आपको मोराइंस पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको ड्रमलिन पढ़ाऊंगा कि मोराइंस क्या होते हैं। आउटवॉश प्लेन तो हो गया, अभी मैं मोराइंस के बारे में बात कर रहा था आप लोगों से। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं मोराइंस। यहां पर आइए, मोराइंस क्या होते हैं? यार मोराइंस कहीं तो मिलेंगे, मैंने इमेज ऐड नहीं की क्या आप लोगों के लिए मोराइंस की? शिट 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 शिट, ये रहा मोराइंस क्या होते हैं। देखिए गाइस, जब यहां पर ये ग्लेशियर है इस तरीके से, ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है, तो जब यहां पर ग्लेशियर मूव करेगा, जब ग्लेशियर मूव करेगा तो मूव करते हुए उसके साथ सेडिमेंट होंगे, उसके साथ रॉक भी होंगे जो पार्ट उसने इरोड किया है। और जब उन इरोडेड पार्टिकल्स को यहां पर, ये ग्लेशियर के साइड में है इस तरीके से यहां पर, तो इसको बोलेंगे लैटरल मोराइन। लैटरल मोराइन याद रखना, क्या बोलते हैं? लैटरल मोराइन बोलते हैं। सो जब जो मोराइंस है ना वो इरोड हो रहे हैं जब ग्लेशियर मूव कर रहा है। यहां पर आप देखें ना, यहां पर जब रॉक इरोड हो रही है माउंटेन की, ग्लेशियर मूव कर रहा है, तो यहां से ग्लेशियर मूव कर रहा है, तो यहां पर जब ये ग्लेशियर मूव कर रहा है इधर की तरफ साइड ऑफ द माउंटेन, यहां पर जो मोराइंस है उनको बोलते हैं लैटरल मोराइंस। क्या बोलते हैं? लैटरल मोराइंस। समझ में आ गया? लैटरल मोराइंस, क्लियर है? अब क्या होगा, मान के चलिए एक माउंटेन हमारा यहां पर है ऊपर की तरफ। एक माउंटेन कहां पर है? ऊपर की तरफ है। यहां पर देखिए, ये माउंटेन हमारा ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ ये माउंटेन है। यहां पर एक माउंटेन है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एक माउंटेन है। तो यहां पर जो
मोराइंस हैं, ये वाला जो है इनको लैटरल मोराइंस बोलेंगे। दैट मीन्स मोराइंस क्या है, मोराइंस आपके रॉक के पार्टिकल्स हैं जो ग्लेशियर ने इरोड किए हैं, और जब ये साइड में इरोड करके लेके आएगा इसको लैटरल मोराइंस बोलते हैं। अब यहां पर एक लैटरल मोराइंस यहां पर इरोड कर रहा है, एक लैटरल मोराइंस यहां पर इरोड कर रहा है, माउंटेन इस तरीके से इरोजन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ना यहां पर भी इरोजन करता हुआ आ रहा है ग्लेशियर, यहां पर भी इरोजन करता हुआ। तो जब ये दो लैटरल मोराइंस आपस में मिल जाएंगे यहां पर, याद रखना जब दो लैटरल मोराइंस आपस में मिल जाएंगे तो इसको बोलेंगे मिडिल मोराइन। क्या बोलेंगे, मिडिल मोराइन। समझने की कोशिश करना, ये जो साइड में है इसको लैटरल मोराइन बोलते हैं, और जब मिडिल में मिल जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, दो लैटरल मोराइन जब मिलेंगे। यहां पर आप देखिए ना, यहां पर एक मोराइन आ रहा है, ठीक है, यहां से ये दूसरा लैटरल मोराइन आ रहा है, दोनों मिलेंगे इसको मिडिल मोराइन बोलेंगे। और जब ऊपर से मिडिल मोराइन आ रहा है, यहां से लैटरल मोराइन आ रहा है ऊपर से, और ये नीचे की तरफ मिलेंगे, और टंग की शेप में, जीभ की शेप में, टंग की शेप में जब ये नीचे की तरफ मिलेंगे तो इसको बोलते हैं एंड टर्मिनल, और इसको बोलते हैं एंड मोराइन। क्या बोलते हैं, एंड मोराइन, ठीक है, क्या बोलेंगे गाइस, एंड मोराइन बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। और याद रखना कभी भी जो सेंट्रल पार्ट है ना ये टंग की शेप में नहीं होगा, जो एंड पार्ट होगा ना यहां पर टंग की शेप होगी। और हमेशा याद रखना जो ग्लेशियर की स्पीड है ना मूवमेंट की, वो सेंटर में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि साइड में ऑब्स्ट्रक्शन है, साइड में यहां पर इस माउंटेन का ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां पर इस माउंटेन का ऑब्स्ट्रक्शन है जब मूव कर रहा है। बट सेंटर में जब ग्लेशियर मूव करता है ना, इसकी स्पीड यहां पर मैक्सिमम होती है, ये चीज याद रखना। अगर क्वेश्चन बने कभी भी कि जो ग्लेशियर है वो सबसे ज्यादा कहां पर, क्लियर है, सबसे ज्यादा फास्टली कहां पर मूव करता है, तो आपको बताना है जब ग्लेशियर मूव करेगा तो सेंटर पार्ट में सबसे ज्यादा फास्टली ग्लेशियर मूव करता है, याद रखना। समझ में आ गया, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे व्हाट इज मोराइंस। तो सिंपल सा पॉइंट है, याद रखना जो मैंने आपको बताया है, मोराइंस कुछ नहीं है, मोराइंस क्या है, जब हमारे ग्लेशियर एवेंचुअली मेल्ट होते हैं तो क्या होगा, जब वो रीचिंग करेंगे वैली की फुट पर तो ऊपर से जो ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है वो उनके पीछे बच जाएगा। मान के चलिए ग्लेशियर मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहां पर ये ट्रांसपोर्टेड मटेरियल है, और इसी को तो बोलते हैं लैटरल मोरिजन, ठीक है। अगर डिपोजिशन एंड मोराइंस पर होगा, सेवरल सक्सीडिंग वेज में होगा, तो वहां पर आपका जो आपका आइस में मेल्ट बैक एंड स्टेजेस सो दैट अ सीरीज ऑफ रेशनल या रिसेशनल मोराइंस का फॉर्मेशन होगा, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, और आपको एक एक करके बता दिया कि कहां पर कैसे कैसे मोराइंस का फॉर्मेशन हुआ है। ये लैटरल है, ये जब दो मिडिल में मोराइंस मिल जाएंगी, दो लैटरल मोराइंस उसको मिडिल मोराइंस, और जब ये नीचे आके मिलेंगी टंकी शेप में इसको एंड मोराइंस बोलेंगे, याद रखना। अब मैं आगे की तरफ बात करता हूँ, रोश माउंटेन हो गए, क्रैग एंड टेल हो गया आपका, उसके बाद अब मैं बात करता हूँ आपके सामने, रेटिक्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रमलिन्स क्या होते हैं, व्हाट इज ड्रमलिन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रमलिन्स को बास्केट ऑफ एग के नाम से जाना जाता है, बास्केट ऑफ एग, इसको ड्रमलिन बोला जाता है, ठीक है, बास्केट ऑफ एग को ड्रमलिन के नाम से जाना जाता है। हाँ, ग्लेशियल ट्रंक, और इसको टर्मिनल मोराइंस भी बोला जाता है। टर्मिनल मोराइंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर आकर टर्मिनेट हो गए, एंड वाला जो पॉइंट है उसको टर्मिनल मोराइंस के नाम से बोला जाता है, और जो मिड में होता है उसको मीडियल और मिडिल मोराइंस बोला जाता है, जब दो लैटरल मोराइंस आके कनेक्ट होती हैं, और जब वो साइड की लैटरल मोराइंस है वो आपका जब ग्लेशियर के साइड वाला पॉइंट है। और याद रखना जो स्पीड ऑफ ग्लेशियर है वो एंड में साइड में आपकी सबसे मिनिमम और सबसे कम होती है, ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल सही है। इसको बास्केट ऑफ एग के नाम से जाना जाता है, और इसको आपका वेल बैक के नाम से भी जाना जाता है, वेल बैक, जैसे जो वेल है ना उसकी बैक इस तरीके से होती है, ठीक है, तो वेल बैक की तरीके से होते हैं ड्रमलिन्स। अभी मैं बताऊंगा क्या है ड्रमलिन्स, कैसे फॉर्म्ड हुए, एक एक चीज आपके सामने बताने वाला हूं, ठीक है, समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, ओके। अब मान के चलिए यहां पर गाइस ग्लेशियर मूव कर रहा होगा, इस लैंडफॉर्म के ऊपर से ग्लेशियर मूव कर रहा होगा, ग्लेशियर मूव कर रहा होगा, समझने की कोशिश करना, इस लैंडफॉर्म के ऊपर से ग्लेशियर मूव कर रहा होगा, तो ग्लेशियर मूव कर रहा होगा तो इसने अलग अलग तरीके के यहाँ के सेडिमेंट को डिपोजिट कर दिया होगा,
यहाँ पर कहीं पर इसने फाइन सेडिमेंट को डिपॉजिट किया होगा, कहीं पर कोर्स ग्रेन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया होगा, अलग अलग तरीके से ग्लेशियर ने सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया होगा। बट एक टाइम पर जब ग्लेशियल एज खत्म हो गई होगी, जब वहां पर ग्लेशियर प्रेजेंट नहीं होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लेशियर वहां पर जब रिवर मूव करेगी, वहां पर जब रिवर मूव करेगी तो रिवर क्या करेगी, जो यहां पर ये रॉक है जिसके ऊपर से ग्लेशियर मूव कर रहा था, जो कि क्या चीज है, आपके सेडिमेंट्स हैं जो अरेंज थे, अब जब इसके ऊपर से रिवर मूव करेगी तो रिवर क्या करेगी, इसके जो फाइन सेडिमेंट्स हैं उन फाइन सेडिमेंट्स को इरोड कर देगी। और तो फाइन सेडिमेंट्स को जब इरोड करेगी तो इस तरीके से इरोजन होगा, यहां पर ये वाला जो फाइन सेडिमेंट का पार्ट है ये इरोड हो जाएगा, ये वाला फाइन सेडिमेंट्स का पार्ट है इरोड हो जाएगा, ये वाला फाइन सेडिमेंट का पार्ट है इरोड हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ये फीचर है यहां पर, इसको बोलते हैं ड्रमलिन। इसको क्या बोलते हैं, ड्रमलिन बोलते हैं। समझ में आ गया। इसको एग बास्केट के नाम से भी जाना जाता है, बास्केट ऑफ एग, जैसे एग की जो ट्रे होती है इस तरीके से यहां पर एग रख देते हैं यहां पर, तो इसको एग बास्केट के नाम से बोला जाता है। और जब रिवर फ्लो करेगी तो यहां पर जो फाइन सेडिमेंट्स हैं इनको इरोड करके ले जाएगी, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा यहां पर इस तरीके से। इन्हीं को बोलते हैं ड्रमलिंस। अगर मैं आपको रियली में दिखाऊं ड्रमलिंस कैसे होते हैं, यहां पर देखिए ये ड्रमलिंस है, ये क्या है, ये ड्रमलिंस है। यहां पर अगर आप चीजों को इमेजिन कर पा रहे हो तो यहां पर जो बीच के सेडिमेंट्स थे वो वॉश अवे हो चुके हैं, और एक टाइम पर पहले ग्लेशियर मूव करता था, अब ग्लेशियर नहीं, अब रिवर मूव कर रही है, तो रिवर के वाटर ने जो फाइन सेडिमेंट्स हैं उनको इरोड कर दिया है, उसी को हम ड्रमलिन बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर क्या कर रही है, जो शिफ्टिंग किसकी कर रही है, फाइन सेडिमेंट की शिफ्टिंग कर देगी, जिसके कारण ड्रमलिन का फॉर्मेशन हुआ। कितने स्टूडेंट है जिनको ड्रमलिन में कोई भी डाउट है जो मैंने अभी तक पढ़ाया, ड्रमलिन में किसी को भी कोई डाउट हो मुझे बता दीजिए, एनी वन ऑफ यू, कि सर मुझे डाउट है, मुझे डाउट है, किसी को भी जो भी डाउट है, यू आर फ्री। फटाफट जल्दी से बता दीजिए, फटाफट जल्दी से बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट। समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेते हैं, आइए फटाफट चीजों को कि क्या लिखा है बुकिश नॉलेज में। एलोंगेटेड वेल बैक टाइप हम रॉक्स या हम मॉक्स कंपोज्ड होली ऑफ बोल्डर क्ले विद एलोंगेशन इन द डायरेक्शन ऑफ आइस फ्लो, दैट मीन्स ऑन द डाउनवर्ड साइड, दे आर लो हिल्स, ये लो हिल्स हैं, दैट मीन्स अप टू 1.5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 60 mm टॉल, ठीक है, एंड अपीयर स्टीपर ऑन द वन साइड एंड टेपर ऑन द लीवर्ड साइड। ठीक है, एक साइड से आपको स्टीपर दिखेगी और दूसरी साइड से थोड़ा टेपर दिखेगी। स्टीपर कहां से दिखेगी, इस साइड से, और इस वाली साइड से थोड़ा टेपर दिखेगी, ये है आपके ड्रमलिन। क्लियर है। और ये किस तरीके से अरेंज होते हैं, डायगनली अरेंज होते हैं, और ये कॉमनली रेफर्ड एज अ बास्केट ऑफ एग, क्योंकि एग की बास्केट की तरफ आपको दिखेंगे इस तरीके से, इसी वजह से इनको ड्रमलिंस बोलते हैं। अब मैं आपको आउटवॉश प्लेन के बारे में पढ़ाता हूं कि आउटवॉश प्लेन होता क्या है। सर देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि रिवर्स के बारे में, कि रिवर कैसे कैसे फ्लो करती है, उसमें यंग स्टेज होती है। समझने की कोशिश करना, जो रिवर है उसमें सबसे पहले क्या होगी, यंग स्टेज होगी, फिर उसके बाद उसमें मैच्योर स्टेज होगी, और फाइनल में उसकी ओल्ड स्टेज होगी। तो आउटवॉश प्लेन क्या है, ग्लेशियर के ओल्ड है। जब ग्लेशियर लोलैंड एरिया पर पहुंच जाएगा, जब ग्लेशियर माउंटेन से लोलैंड एरिया पर पहुंच जाएगा, वहां पर आउटवॉश प्लेन का फॉर्मेशन करेगा। और आउटवॉश प्लेन कहां पर देखने को मिलेंगे, लोलैंड एरिया पर। तो आउटवॉश प्लेन क्या है, ये डिपोजिशनल एक्टिविटीज हैं। दैट मींस अब हमारा क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, क्योंकि जो ऊपर से चीज इरोड होके आई है वो आउटवॉश प्लेन में नीचे की तरफ डिपोजिट हो जाएंगी, याद रखना। तो उसमें दो टाइप की चीजें होती हैं। आउटवॉश प्लेन के अंदर अगर हम बात करें, जो आउटवॉश प्लेन है इसको फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट भी कहा जाता है। फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट मतलब जो ग्लेशियर है वो अब किसकी फॉर्म में आ जाएगा, वाटर की फॉर्म में आ जाएगा। नीचे आने के बाद थोड़ा सा वाटर की फॉर्म में आ जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट, दैट मीन जो ग्लेशियर है वो फ्लो करता हुआ जो डिपोजिट करेगा,
कहां पर वॉश आउट जो ऊपर से लेके आ रहा है उस वॉश आउट को कहां पर टर्मिनल मोराइंस पर जब नीचे की तरफ एंड में आके उसको डिपॉजिट करेगा बाय द स्ट्रीम ऑफ स्टैग्नेंट आइस मास, उसी को तो हम आउट वॉश प्लेन बोलते हैं। यहां पर जो मेल्ट वाटर है वो क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, जो अलग अलग सेडिमेंट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से अरेंज करेगा, ऊपर की तरफ थोड़े बड़े होंगे सेडिमेंट, नीचे की तरफ अलग होंगे, जैसे आपके एल्यूवियल फैन में फॉर्म्ड होता है। और यहाँ पर अलग अलग लेयर बन जाती हैं सैंड और अदर फाइन सेडिमेंट्स की, कहाँ पर आउटवॉश प्लेन में। और ये वाले जो प्लेन है यहाँ पर सैंडी सॉइल होती है और यहाँ पर एक स्पेशल काइंड की एग्रीकल्चर होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ पोटैटो की, कहाँ पर आउटवॉश प्लेन में। तो उसमें एक होता है एस्कर्स, एस्कर्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि एस्कर्स क्या होते हैं, समझने की कोशिश करना। इसको देखिए यहां पर, ये दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, टिक 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 टिक, ये क्या है, ये एस्कर्स है, ये क्या है, ये एस्कर्स है, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे सर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ एस्कर्स का, देखिए अब मैं आपको बताता हूं इस एस्कर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आइए मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से बताते हैं। यहां पर ये माउंटेन है, ठीक है, इन माउंटेन से क्या हो रहा है, ऊपर से ग्लेशियर आ रहे हैं, अब ग्लेशियर नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, ग्लेशियर नीचे की तरफ आएंगे, वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वाटर की फॉर्म में जो ऊपर के ग्लेशियर है आउटवॉश प्लेन में आएंगे, तो अब वो आइस की फॉर्म में तो होंगे नहीं, थोड़ा वाटर की फॉर्म में होंगे। अब वो ऊपर से आ रहे हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आएंगे, समझ रहे हो ना, ग्लेशियर टिल भी लेके आएंगे, फाइन सेडिमेंट्स भी लेके आएंगे। और यहां पर ये आगे की तरफ जब मूव करेगा ग्लेशियर, वाटर वाला जो रिवर है, वाटर की फॉर्म में जो रिवर बन जाएगी जब आगे की तरफ मूव करेगी, तो यहां पर ये क्या करेगी, उन सेडिमेंट्स को भी अपने साथ लेके आएगी। और जब सेडिमेंट्स को साथ लेके आएगी तो एक टाइम क्या होगा, जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। या यहाँ पर जो वाटर डिपॉजिट है इस वाले एरिया में, यहाँ की जो ये रॉक हैं या जो सेडिमेंट हैं इनकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है। अब पोरोसिटी ज़्यादा है या परमिएबल है, सारा वाटर या तो नीचे चला जाएगा या वाटर एवोपरेट हो जाएगा, और जो ऊपर से रॉक लेके आए, जो ऊपर से फाइन सेडिमेंट्स लेके आए, वो यहाँ पर आपके बचे हैं। और याद रखना, जब रिवर जैसे माउंटेन से नीचे की तरफ आती है, स्लोप में आती है, तो मिनिंडरिंग करना स्टार्ट कर देती है जब उसकी स्पीड स्लो होती है, सेम इसी तरीके से जब ग्लेशियर नीचे की तरफ आएंगे, स्पीड स्लो होगी तो ये भी थोड़ा सा मिनिंडरिंग करेंगे, और मिनिंडरिंग करने के कारण उसका डिपोजिशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जब रिवर, ये जो ग्लेशियर है वो नीचे की तरफ आएंगे, फ्लूवियो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, तो वो इस तरीके से मूव कर रहे होंगे, बट एक टाइम क्या होगा, यहाँ से उसका सारा वाटर एवोपरेट हो गया होगा या जो रॉक हैं वाटर परमिएबल हो गए होंगे, और वहाँ पर जो अरेंजमेंट हुआ है रिजिस की फॉर्म में इस तरीके से उन सेडिमेंट्स का, उन्हीं को बोलते हैं एस्कर्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एस्कर्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है, उसको क्या बोला जाता है, एस्कर्स के नाम से जाना जाता है। सो एस्कर्स आर द साइनस रिजिस, ठीक है, इस तरीके से साइनस रिजिस हैं जो ग्लेशियल मटेरियल ऊपर से आया था, मेनली सैंड और ग्रेवल, वो मेल्टेड वाटर अपने साथ लेके आया था, और ग्लेशियल टनल में अब जो मेल्टेड वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एवोपरेट हो जाएगा, या जो पोरोसिटी है रॉक की सेडिमेंट्स की वो उसको नीचे परमिएबल हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये हंड्रेड ऑफ किलोमीटर तक लॉन्ग होते हैं लेंथ में, और वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है, याद रखना। समझ में आ गया, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, समझ में आ गया, फटाफट जल्दी से बताइए किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी है। अब बात करते हैं कीटल लेक क्या होती है, कीटल लेक जिसको कैटल लेक भी बोलते हैं, कैटल लेक क्या होती है, कैटल लेक क्या होती है। सर यहाँ पर हमारा ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो यहाँ पर इसके बीच में जो लेक बनती है ना इधर की तरफ इस डिप्रेशन में, यहाँ पर इसको बोलते हैं कीटल लेक, कीटल लेक। समझ में आ गया, अगर आपसे पूछे कीटल लेक क्या है, कीटल लेक आपका लो लैंड, दैट मीन्स जो लो राउंडेड हिल है, मतलब ऐसा एरिया जहां पर बहुत हाई हिल नहीं है, लो राउंडेड हिल है, और जो उन लो राउंडेड हिल में जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हैं उसमें कीटल लेक आती है। समझ में आ गया, तो जो ऊपर से यहां पर जो ग्लेशियर हैं
वो आके इस डिप्रेशन में डिपॉजिट होते हैं, और जब उसके बाद वो मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने के बाद वो वाटर फिलअप हो जाता है और उससे जो लेक बनती है उसको बोलते हैं कीटल लेक। समझ में आ गया? और इसी को क्या बोलते हैं, इसको टी पॉट टॉपोग्राफी भी बोलते हैं। टी पॉट टॉपोग्राफी याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज द टी पॉट। तो ऊपर से यहां पर जो राउंडेड हिल है, इस राउंडेड हिल में यहां पर ये डिप्रेशन है, ग्लेशियर मूव कर रहा था, ग्लेशियर का वाटर मेल्ट हुआ और वाटर मेल्ट होने के बाद इस डिप्रेशन में फिलअप हो गया और इसी को बोलते हैं केटल लेक। तो याद रखना, अ डिप्रेशन फॉर्म्ड व्हेन द डिपोजिशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग रिजेस। ये अल्टरनेटिंग रिजेस है, इसमें डिपोजिशन में ग्लेशियर फिलअप हो गया और सैलो सेडिमेंट फिल्ड बॉडी ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय द रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर। ग्लेशियर रिट्रीट कर गया। रिट्रीट मतलब कैसे कर गया? यहां पर ये ग्लेशियर था, यहां पर ये पूरा एरिया था, यहां तक ग्लेशियर पूरे एरिया तक फ्लो कर रहा था, बट जब ये ग्लेशियर वापस रिट्रीट कर रहा है, मतलब समर सीजन में चीजें मेल्ट हो रही हैं, पीछे की तरफ जा रहा है, तो इस डिप्रेशन में वो वाटर बच रहा है और वाटर फिलअप हो गया तो उससे क्या बन गई? कीटल लेक बन गई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या बन गई? कीटल लेक बन गई। समझ में आया? फटाफट बताइए, जितने स्टूडेंट को चीजें जो मैंने यहां पर आपका जो लैंडफॉर्म्स पढ़ाए हैं उसमें किसी भी स्ट्रैंड को कोई दिक्कत, इसी कीटल लैंडफॉर्म को जो है, कीटल लेक है, इसी को बोलते हैं टी पॉट टॉपोग्राफी। क्योंकि अगर आप इसकी शेप देखोगे ना तो ये टी के पॉट की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएगी। किसकी शेप में? टी के पॉट की तरह। तो इसको टी पॉट टॉपोग्राफी के नाम से जानते हैं, ये चीज आपको याद रखनी होगी। तो यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं? ओके, तो कितने स्टूडेंट हैं जिनको ये लग रहा था भैया ग्लेशियर लैंडफॉर्म मुझे जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, और उसको समझ में आ गया, जिसको लग रहा था कि ये चीजें हमें समझ में नहीं आने वाली और उसको समझ में आ गया आज ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ये जियोमॉर्फोलॉजी का आखिरी टॉपिक है, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा, चाहे ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हो, चाहे डेजर्ट लैंडफॉर्म्स हो, चाहे आपका फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स हो, चाहे कास्ट टॉपोग्राफी हो, एक भी तो टॉपिक छोड़ा हो, जितने भी टफ टॉपिक सारे कवर हो गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन, पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को पूरा कवर कर चुका हूं। उसके साथ साथ 21st से क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूं और कल फ्लड के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम कवर करेंगे कि भैया ऐसा क्या हुआ दिल्ली के अंदर, कौन रिस्पॉन्सिबल है जो ये सारी चीजें कर रहा है। थोड़ा सा लेट हो गए बट फिर भी अच्छे से लेके आएंगे। मैं किसी एक अर्जेंट वर्क में फंस चुका था जिसके कारण हमारा थोड़ा सा टाइम हो गया। चंद्रयान 3 के बारे में बताइए। चंद्रयान 3 के बारे में यार क्या बताऊं, बेसिकली चंद्रयान 3 के बारे में बस ये सोच लेना कि हम साउथ पोल पे जा रहे हैं जहां पर अभी तक कोई नहीं गया है। वहां पर हम सक्सेसफुल अगर होता है तो हम एक अलग ही इतिहास रच देंगे, याद रखना, साउथ पोल पर पहुंच के। ठीक है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान जो हमारा 3 है अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, तो उसके बारे में बात करेंगे एक अलग। मैंने जानबूझ के सेशन नहीं लिया यार, क्योंकि वो थोड़ा साइंस एंड टेक से आ जाता है, तो फिर मैं सेशन ले सकता हूँ, फिर वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है, आप किसी और के जोनर में घुसने की कोशिश करते हो, किसी और एजुकेटर, फिर उनका अलग जोन है। ठीक है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, तो जो जिसका स्ट्रीम है वो उसके ऊपर सेशन बनाते रहें तो वो चीज़ें समझ गए होंगे। तो मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है, बहुत अच्छे से हमारा ये सेशन जियोमॉर्फोलॉजी 21st को, दैट मीन्स डे आफ्टर टुमारो हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। मोस्ट मोस्ट अमेजिंग टॉपिक है, मोस्ट कंसेप्चुअल टॉपिक है, मोस्ट अमेजिंग टॉपिक। चीज़ों को समझना, सब चीज़ें लॉजिक के साथ हो रही हैं। 21st से 9 PM पर आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट की सब लोग ज्वाइन करें। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, पॉलिटी भी कवर करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी फाइनली कंप्लीट, प्रॉमिस जो कर रहे हैं वो सारी चीजें कवर करेंगे, इन्वायरमेंट भी करेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, unacademy_anirudhmalik, वहां पर सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे आने, बहुत अच्छी अच्छी चीजें। एनवायरनमेंट स्टार्ट होगी बहुत जल्दी, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टार्ट होगा, पेड पर बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, फ्री में एनवायरनमेंट करेंगे, पॉलिटी की
कोशिश है, अगर ऐप पर हो, अगर ले पाए तो चीजों को देखते हैं। 3 डेज अगर हो पाए, फ्री में होगी, ऐप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप पर जरूर फॉलो कीजिए मुझे। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, 9 AM से हमारा जो 15 मिनट का सेशन है, घंटों के सेशन मिनटों में, वो 15 मिनट्स के अंदर एक पूरा टॉपिक वो 9 AM पे आने वाला है मॉर्निंग में, और 10 AM पर इंडियन ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है बहुत अच्छे से। क्लियर है? ओके, तो ये वाली चीजें आपको अच्छे से कवर कर दी हैं। तो यहां पर हमारी सारा पॉइंट एक तरीके से हमने अच्छे से कवर कर लिया है। उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी _ अनिरुद्ध मलिक, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और गाइज, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर ये ऑफर चल रहे हैं, बिकॉज 22 से आपका प्राइस हाइक हो जाएगा। अगर आप अभी लेते हो AM10 कोड यूज करके, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मेरी मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। याद रखना, चीजों को स्ट्रक्चर्ड करना बहुत जरूरी है, वेल प्लान करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी, कैसे कैसे अप्रोच के साथ, वो आपको डिसाइड करना जरूरी है। तो अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए चीजों को, टाइम बाउंड मैनर में कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, पूरा एक सिस्टम बनाइए, इस टाइम के अंदर ये चीज, इस टाइम के अंदर चीजें हो जाएगी। और 12:30 PM पर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, फ्री में मेंटरशिप प्रोवाइड हो रही है, संकल्प मेंटरशिप प्रोग्राम। जो भी स्टूडेंट उसमें टॉप करता है उसको फ्री में मेंटरशिप मिलती है, वो आपका 12:30 PM पर अनअकैडमी की ऐप पर हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं, फ्री में सेशन है, टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, AM10 कोड यूज करके फ्री में ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। 10 AM इंडियन ज्योग्राफी पेड कोर्स है, अभी स्टार्ट हुआ है, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हो। 40 से 50 आवर्स के अंदर पूरी इंडियन ज्योग्राफी बहुत डिटेल के साथ कवर करूंगा। वहीं पर पॉलिटी आपका हो सकता है जल्दी आए, उसके साथ इन्वायरमेंट भी, और आपका ऐप, और यहाँ पर जरूर फॉलो करते रहिए। 9 PM पर क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट होगा। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर गाइज, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।